तो हेलो बच्चों, आज मैं आपको ICSE क्लास 10th का मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट देने वाला हूँ। बच्चों, आपने प्रीवियस ईयर में बहुत ही इजी प्रीवियस ईयर में आपने पढ़ा था सर्कल क्या होता है भाई, क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। इस ईयर जो आपका 10th है, इस ईयर में आपने सिर्फ मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है बच्चों, सिलेंडर, ठीक है, आपका स्पेयर है ना, कोन, इनके बारे में पढ़ना है। तो पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सरसाइज से पहले उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। तो अभी एक्सरसाइज 17.1 है, उसमें उसमें क्या है, किसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाला हूँ बच्चों, उसमें आपको देने वाला हूँ मैं सिलेंडर का इंट्रोडक्शन, है ना बच्चों। ये सिलेंडर काफ़ी ईजी है। देखो, सबसे पहले इसमें हमें तीन चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले होती है कौन सा बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। हमें ये तीन चीज़ याद रखनी है बच्चों सिलेंडर की, ठीक है। अब सिलेंडर ऐसा ही नहीं होता, अब ध्यान से देखो, सिलेंडर एक तो होता है कर्व, सॉरी, एक सिलेंडर होता है सॉलिड सिलेंडर और एक सिंपल सा वाला सिलेंडर होता है, राइट। अब देखो, मैंने सिलेंडर यहाँ पे बनाया है, आई होप मैं आपको इसको समझाने के लिए आराम से कोशिश करूंगा। अगर मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, इस सिलेंडर को मैंने ऐसे रख दिया, खड़ा कर दिया, राइट, मैं इस टाइम, तो अब आपको देखो, अब ध्यान से, अब ये याद रखो कि ये सिलेंडर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे मैंने ये सिलेंडर खड़ा हुआ कर रखा है। इसका मैं डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। देखो, ये सिलेंडर मैंने आप खड़ा कर रखा है, ठीक है। अब मुझे बोला जाए कि भाई बताओ, और देखो ये खाली है, इधर से भी और नीचे से भी खाली है, राइट। अब मुझे बोल रहा है कि भाई लेटरल सरफेस एरिया बताओ। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है बच्चों जो मुझे अपनी आंखों से दिखता है। अब मैंने इसको ऐसे रख दिया, मुझे आंखों से सिर्फ यही दिख रहा है। देखो, ये तो हॉलो पार्ट है, नीचे वाला भी हॉलो पार्ट है, और ये खड़ा हुआ है। तो मुझे लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, देखो, ये सिंपल सिंपल, बस मुझे यहाँ पे देखो, इसको ऐसे में देखो, यहाँ पे ये यहाँ पे, अब लेटरल मतलब जो मुझे अपने आंखों से दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ ये पार्ट, ये पेपर दिख रहा है मुझे। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होने वाला है बच्चों, देखो मैं इसको आगे नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। अब देखो, मैंने ये बनाया, अब देखो मुझे इसका डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ढंग से पता चल जाए। देखो, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया जो मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे अपनी आंखों से, देखो, ये तो यहाँ तो कुछ नहीं खाली, ये भी खाली है। अब ये देखो, ये पूरा का पूरा गोला, ये अब मैं बोलूँ ये सारी की सारी क्या है, इसकी बाउंड्री नहीं है। अब ये बाउंड्री क्या होती है बच्चों, ये ऊपर ऊपर का पार्ट, ये देखो, ये बाउंड्री है इसकी पूरी। अगर मैं इसको खोल दूँ तो ये एक पूरा लेंथ बन जाएगी। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको खोल दूँ, इसको मैं खोलूँगा नहीं, देखो ध्यान से, ये लेट सपोज दिस इज, देखो ये ऐसा कर कर है, ठीक है। अब मैं इसको अगर खोल देता हूँ तो ये देखो, दिस इज लेंथ, ये लेंथ हो गया, ठीक है, और ये क्या है मेरी हाइट। अब ध्यान से देखो, इसको मैं अगर ऐसे घुमा दूँ ऐसे करके, तो ये जो लेंथ बन गई, ये क्या हो गई मेरी, सरकमफेरेंस बन गई। देखो, अगर इसमें इसको खोल दूंगा तो ये लेंथ नहीं बन जाएगी पूरी की पूरी। तो ध्यान से देखिए, तो इसका कर्व सरफेस एरिया, सबसे पहले जो कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो, अब एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, एरिया, तो ये क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। उसने कर्व सरफेस या फिर लेटरल सरफेस बोला ना, एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ध्यान से देखो, ये पेपर था, अब ये लेंथ क्या है बच्चों मेरी, ध्यान से देखो, मैं इसको उसको घुमा दिया ऐसे करके, मैंने इसको अगर ऐसे घुमा दिया, ये लेंथ था, इसको मैंने खोला और ये ऐसे करके घुमा दिया, तो ये क्या बन गया, देखो ये पूरा सरकमफेरेंस बन गया। और सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr है ना ये। अब देखो ना, इसको मैंने खोला तो ये पूरा लेंथ नहीं बन गया, ऊपर वाला पार्ट पूरा का पूरा, इसको खोला, चलो अब इसको मैं खोल ही देता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने इसको पूरा खोल दिया, अभी ऐसे घुमा हुआ था, तो देखो इसको खोल दिया तो पूरा लेंथ बन गया है ना, और ये इसकी ब्रेथ बन गई। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो पूरे, ये देखो सरकमफेरेंस बन गया ना, तो 2πr, और ब्रेथ कितनी थी, ब्रेथ इसकी बच्चों इसकी हाइट है, देखो इस सर्कल की हाइट नहीं है ये ब्रेथ। तो देखो, तो जो मेरा लेटरल सरफेस एरिया बना वो बना 2πrh, जिसको मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, लेटरल सरफेस एरिया मतलब 2πrh, राइट। तो काफ़ी इजी था ये। अब देखो, अब मैंने क्या कहा था, एक तो मैंने बोला था लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा मैंने क्या बोला, टोटल सरफेस एरिया। अब बच्चों यहीं पे मैं इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालूं, तो देखो इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब पूरा का पूरा, मतलब कि यहाँ पे ये गोला तो ये सर्कल तो है ही है, साथ में देखो ये तो है ही है, साथ में मैं नीचे से क्या है, ये नीचे से बंद है,
पूरा का पूरा ऐसे करके, और ऊपर से भी बंद है, तो नीचे से भी बंद और ऊपर से भी बंद, समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखो, ये तो टोटल सरफेस एरिया में ये तो था ही था, 2πRh तो था ही था, साथ में दो सर्कल और उड़ गए, एक दो सर्कल और ऐड हो गए, नीचे वाला सर्कल भी और ऊपर वाला सर्कल भी। और सर्कल का एरिया क्या होता है जल्दी बताइए, सर्कल का एरिया क्या होगा? बिल्कुल पाई आर स्क्वायर। अब एक सर्कल तो था नहीं, दो सर्कल थे, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? देखो इन इनमें क्या होगा, बस आप इसको यहाँ पे भी छोड़ दो, आंसर सही है, पर क्या करें, पूरा करते हैं। तो देखो पाई 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 कॉमन, आर 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 कॉमन, तो क्या बच गया टू, देखो तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ टू एच प्लस आर प्लस आर है ना, फिर यहाँ पर टू पाई, अब देखो इन सब में देखो पाई आर टू एच प्लस टू आर, इन दोनों में भी टू कॉमन, तो टू फिर बाहर ले लिया, तो होगा टू पाई आर एच प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो कर्व सरफेस एरिया वो तो हो गया होगा, साथ में दो सर्कल एक नीचे और एक ऊपर जुड़ गया, ठीक है। अब आते हैं बच्चों इसमें वॉल्यूम की बात। अब बच्चों वॉल्यूम की बात आ रही है, बोल रहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है। या देखो ध्यान से, अगर मैंने ये देखो, ये मैंने ये क्या बनाया, मैंने एक सिलेंडर बनाया, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया तो ये पानी इससे नीचे से निकल जाएगा, क्योंकि ये तो खाली है देखो। तो कैपेसिटी के लिए या फिर वॉल्यूम के लिए नीचे ये ना ये गोला होना चाहिए जो इसको नीचे बंद कर दे। तो देखो मैंने इसको नीचे बंद कर दिया, अब अगर मैं इसमें पानी डालूंगा तो ये पानी भरेगा, कितना भरेगा, भरेगा कि नहीं भरेगा? तो वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है बच्चों? सबसे पहले नीचे तो ये एक सर्कल को मैं ऐड करूंगा, तो पाई आर स्क्वायर, और देखो पाई आर स्क्वायर और कितना पानी जा रहा है इस पे, देखो यहां से यहां तक इसकी ये क्या है हाइट, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम ऑफ ए क्या बोलते हैं सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो देखो कितना इजी है बच्चों, बहुत इजी होता है ये, बहुत इजी, बस आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो और इसको समझो, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका, क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड सिलेंडर, बिल्कुल सॉलिड सिलेंडर भी बिल्कुल सिमिलर होता है, सॉलिड सिलेंडर और सिलेंडर बिल्कुल सिमिलर होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, सॉलिड सिलेंडर कर्व या लेटरल, जो मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है, सॉलिड मतलब पूरा का पूरा वो कठोर है, ठीक है, मतलब एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है, और उसको पूरा मैंने सीमेंट से भर रखा है, सिंपल। तो बच्चों अब पूरे उसको मैंने पूरे, तो लेटरल क्या होगा भाई, मुझे ऊपर का पार्ट, अब देखो अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ से, अगर मैं आप अभी तो देखो ये अभी ये एंगल अलग है इसलिए मुझे पूरा दिख रहा है, अगर मैं कैमरा इधर लेकर आऊँ तो बस मुझे ये पार्ट तो दिखेगा, ये पूरा पार्ट दिखेगा, तो लेटरल भी वही होगा बच्चों जो पहले सिलेंडर का था, तो क्या होगा टू पाई आर एच, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा टीए से बच्चों, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे सिलेंडर का था, है ना। तो क्या होगा बच्चों, टू पाई आर एच तो था ही था प्लस टू पाई आर स्क्वायर, है ना, टू पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर हो गया। और वॉल्यूम भी बच्चों बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब बच्चों इस पे बहुत अच्छा है कि हॉलो सिलेंडर क्या होता है ना, तो उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो बच्चों अब आएंगे हम होलो सिलेंडर का केस, काफ़ी इजी है बच्चों की, एक ही सिलेंडर है, ठीक है, और इसके बाहर भी एक और सिलेंडर लगा दिया, अभी बताता हूँ मैं आपको, दिखाता हूँ। ऐसे तो आपको पता ही मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है कि क्या बोलूँ, जैसे कि एक सिलेंडर है ये, और इसके अंदर एक और, इसके बाहर एक और सिलेंडर है, तो देखो ऐसे कर कर मैं उसको थोड़ा सा बता सकूँ आपको, तो आपको थोड़ा सा दिख रहा हो कि देखो ये एक सिलेंडर था और इसके बाहर एक और सिलेंडर लगा दिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ से, अब मैं आपको मैं कुछ थोड़ा सा बता दूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसको पेन रखूँ, एक सेकेंड है, अब यहाँ देखिए मैंने पेन रखा, यहाँ से यहाँ तक ये छोटा आर, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक क्या है रेडियस इसका स्मॉल आर है, और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो अंदर का ये जो थिकनेस है ना, ये वाला पार्ट है, इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, जब मैं बड़े वाले आर से छोटे वाले आर को माइनस कर दूँ तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो बच्चों अब इसको हटाता हूँ मैं, और सीधे सीधे मैं आपको इस पर ले जाता हूँ कि हॉलो सिलेंडर का थिकनेस कैसे निकालते हैं, ठीक है।
थिकनेस मतलब उसका मोटाई है ना, अंदर का ये जो पार्ट है ये कैसे निकालेगा। तो बच्चों थिकनेस होता है इस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, है ना, रेडियस, रेडियस है ये, राइट। अब एरिया कैसे आएगा बच्चों, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है बच्चों, सिंपल, वही सिंपल। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, देखो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, देखो पहले बाहर वाले का एरिया निकाला माइनस अंदर वाले का एरिया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो एरिया ऐसे निकलेगा, ठीक है। फिर बच्चों क्या कह रहा है कि कर्व एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया बच्चों वही होता है पाई, टू पाई आर एच, टू पाई आर एच मतलब भार वाला, एक्सटर्नल मतलब भार वाला कर्व। और अगर बोलेगा इंटरनल अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया, तो अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया ये वाला, तो टू पाई रेडियस अब छोटा वाला हो जाएगा, और हाइट तो सेम ही है दोनों की, ठीक है। तो एक्सटर्नल ये है, इंटरनल ये है, एरिया ये है, थिकनेस ये है, टोटल सरफेस एरिया। बच्चों टोटल सरफेस एरिया बहुत ही इजी है, इसमें टोटल सरफेस एरिया टी एस ए, टी टी एस ए क्या होगा बच्चों, इस होलो सिलेंडर का, टी एस एस होलो सिलेंडर का बच्चों ध्यान से देखिए, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कर्व एरिया प्लस इंटरनल कर्व एरिया प्लस एरिया ऑफ टू एंड्स, ठीक है, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, एक्सटर्नल फिर इंटरनल भी, और क्या बच्चों, एरिया ऑफ टू एंड्स। एरिया ऑफ टू एंड्स काफी इजी होता है बच्चों, एरिया ऑफ टू एंड्स मतलब दोनों का एरिया, इधर का भी और इधर का भी, तो बस ये होगा मेरा टोटल सरफेस एरिया। और बच्चों इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे प्रीवियस हमने अभी किया था सॉलिड का और आपका सिलेंडर का। तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम होता है बच्चों इसमें क्या, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, सिंपल सिंपल, ये तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो बच्चों ये हॉलो सिलेंडर का था, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको नहीं आया तो बच्चों प्लीज़ अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना अपनी बुक में जाओ, हॉलो सिलेंडर पे देखो और बहुत ही अच्छे से इसको देखिए, तो बहुत ही ईजी होता है ये समझना। बस आपको अगर छोटी सी छोटी थोड़ी सी फॉर्मूले याद हो गए ना, आपने पूरा चैप्टर कर लेना है। चलो अब इस चैप्टर में आते हैं।